हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन फॉर फूडीज। आज हम बनाएंगे लोनावला का बहुत ही फेमस चॉकलेट एलमोंड फज। ये एक बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर रेडी हो जाती है, पर इसका टेस्ट बहुत ही ऑसम है। आप एक बार से जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ कप एलमोंड लिए हैं बादाम, और उसको हम 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे, जिससे हमारे जो एलमोंड है हमें ग्राइंड करने में आसानी रहेगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। हमें इसे एकदम स्लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। हमें बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है। हम जब फज खाएंगे तो मुंह में उस बादाम के थोड़े थोड़े पीसेस आने चाहिए। ये हमारा बादाम का पाउडर रेडी हो गया है। अब हम लेंगे 1/3 कप कंडेंस मिल्क। ये होममेड कंडेंस मिल्क है। अगर आपको कंडेंस मिल्क की रेसिपी देखनी है तो मैं ऊपर आई बेलकन में लिंक दे दूंगी। अब हम ऐड करेंगे 1/4 कप कोको पाउडर और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें गैस की फ्लेम ऑफ ही रखनी है और कंडेंस मिल्क और कोको पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोनों चीज अच्छे से मिक्स हो जाएगी, उसके बाद हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और गैस की फ्लेम स्लो ही रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड किया है तो गैस की फ्लेम फास्ट रखेंगे तो कंडेंस मिल्क नीचे चिपक भी सकता है। मैंने गैस की फ्लेम एकदम स्लो ऑन कर दी है। अब हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून सॉल्टेड बटर। जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वही वाला बटर लिया है, क्योंकि चॉकलेट में थोड़ी सी नमक की मात्रा होने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हमने यहाँ पर सॉल्टेड बटर ही लिया है। अच्छे से स्टर कर लेंगे और इसे हम 2 मिनट तक पकाएंगे। गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और अच्छे से स्टर करते हुए इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। हमें कंटिन्यू स्टर करते रहना है। ये हमारी पेस्ट थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इस टाइम पर ऐड करेंगे जो हमने बादाम का दरदरा सा पाउडर बनाया था, वो ऐड कर लेंगे और अच्छे से स्टर कर लेंगे। जो हमने बादाम का पाउडर डाला उसकी वजह से हमारा ये फज बहुत ही फटाफट से गाढ़ा हो जाएगा। हमें ये प्रोसेस करने में आधी से 1 मिनट ही लगेगी। दोनों चीज अच्छे से मिक्स होगी और एक गाढ़ा सा पेस्ट रेडी हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ये फज रेडी हो गया है। बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में फटाफट से बनके रेडी हो जाती है, पर इसका टेस्ट इतना ऑसम है, आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाओगे। ये हमारा रेडी हो गया लोनावला का एकदम फेमस चॉकलेट एलमोंड फज। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आप बटर पेपर पे सर्व कीजिए या प्लेट में सर्व कर लीजिए। और ये फज गरम बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसको रखना चाहो तो एयरटाइट कंटेनर में रख लीजिए, और जब भी खाने का मन करे तो इसे माइक्रोवेव में गरम कीजिए और खा सकते हो। ऊपर से थोड़े से एलमोंड के छोटे छोटे पीसेस और पाउडर स्प्रिंकल किया है, दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही नई नई रेसिपी देखने के लिए बेल को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।